खबर आपको बता दें, देहरादून में हुई दहवीं कैबिनेट की बैठक, तो बैठक में कुल 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। लोक और निजी संपत्ति अध्यादेश 2024 का, तो बैठक में चर्चा के बाद ये मंजूरी, जल्द ही जारी होगा अध्यादेश। अब दंगाइयों से नुकसान की भरपाई इसके जरिए। तो देहरादून में दहवीं कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है, तो कुल 8 प्रस्तावों पर बैठक में मोहर। लोक और निजी संपत्ति अध्यादेश को भी मंजूरी यहां पर दी गई, बैठक में चर्चा के बाद मंजूरी दी। उत्तराखंड में आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने आज कई बड़े फैसले लिए, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक फैसला है जिसमें उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति की क्षति वसूली का अध्यादेश कैबिनेट में लाया गया है, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वो राजभवन जाएगा और राजभवन की मंजूरी के बाद उसको कानून के रूप में राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इस कानून को लाने के पीछे की मंशा ये है, जैसे कई बार दंगा होता है, उपद्रव होता है, हिंसा होती है, रोड जाम होती है, लोग जो हंगामा करते हैं, जो जिस तरह से पिछले दिनों बनभूलपुरा में हल्द्वानी में हुआ, तो सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो उसके जितनी भी क्षति होगी एक सर्किल लेवल का ऑफिसर उसकी रिपोर्ट भेजेगा, और इसके लिए सरकार एक अलग से ट्रिब्यूनल गठित करेगी। उस ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जज उसके अध्यक्ष होंगे और वहां पर एक केस चलेगा, और ये समयबद्ध तरीके से एक समय सीमा के भीतर केस सुना जाएगा और उसमें फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा एनआईटी जो पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में एक एनआईटी स्थापित हुई थी, कई साल होने के बावजूद वहां जमीन की कमी चल रही थी, तो सरकार ने उस जमीन के लिए निशुल्क जमीन हस्तांतरित करने का फैसला आज लिया है। ये निर्णय भी आज कैबिनेट से हो गया है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो एक घर के पात्र व्यक्तियों को 6 लाख रुपए देने होते हैं, 6 लाख में 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार देती है और 1 लाख राज्य सरकार देती है, लेकिन राज्य सरकार ने 50,000 रुपए प्रति घर एक सब्सिडी की एक धनराशि, 50,000 रुपए की धनराशि रखी है, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होंगे केवल उनमें खर्च की जाएगी, व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी। तो ये भी एक अहम फैसला है। और एससी की जो छात्रवृत्ति योजना होती है, जब जो छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र हैं, जब वो ग्रेजुएशन में जाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, तो वो जो छात्रवृत्ति की जो धनराशि थी उसमें भी कैबिनेट ने आज बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सहायक लेखाकार जो एक संवर्ग होता है, तो ये अलग अलग विभागों में फाइनेंस ऑफिसर को, अकाउंट ऑफिसर को तैनात किया जाता है, तो उन पर किसका नियंत्रण रहे, ये एक बड़े दिनों से विवाद चल रहा था, तो सरकार ने आज ये स्पष्ट कर दिया है, जो वित्त अधिकारी जिस विभाग में तैनात रहेगा उसी विभाग का नियंत्रण उस अधिकारी पर रहेगा, कैडर से कोई इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ।